तो साथी ये है असम का गांव। अब हमने जाना है उस सामने वाले घर पर जहाँ से हमें दूध लाना है, और यहाँ से है 5 किलोमीटर पपकोट। तो हम जा रहे हैं अब पथरीले रास्तों से होते हुए दूध लाने के लिए। इसे मुझे दे दे, ये वाला मुझे दे दे। तो अब चलेंगे, देख के चलना, सांपों का खतरा भी रहता है इस टाइम पर। तो ये नीचे यहाँ का प्राइमरी रहा, नीचे जो सामने है, तो उनके पार में जो है एक लीली गांव की ओर रास्ता जाता है, और एक गांव है उतरौड़ा, इसी के पार में है। पार से भी इसकी एक सड़क जा रही है जो सीधे बागेश्वर को निकलती है। इसका अल्टरनेट है, कभी ये सड़क मुख्य बंद हो जाती है तो उसके बदले में उस सड़क से जाते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको झंगोरा की खीर। आपने खाई हुई ना झंगोरा का खीर, तो यही है झंगोरा। नीचे तो धान की बुआई हुई है। आराम से चलना, आराम से। ओह ओह, और फिसलने वाला रास्ता हो रहा है, देख के चलना, देख के चलना। ये सुमरुओं ने भी खोद रखा है इधर, धान तो अच्छे हो रहे हैं। चलो 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 चलो, इन पगदीव से भी यहाँ रास्ता कच्चा ही है। ये बीच बीच में उन्होंने तील की बुआई भी की है। पहाड़ों में तो मिश्रित खेती होती है। ये रहा चारों ओर से दृश्य गांव का, अभी नीचे से दिखाएंगे। ये रहा यहाँ का आदर्श प्राइमरी तो नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल जरूर है। ये है यहाँ का शेरा, पहाड़ी में बोले शेर, टूनी गोट पुराने जमाने में। स्कूल आसपास बहुत पेड़ होंगे, नंदमणि शुद्ध, और बीच में पंखा भी देखते ही हैं चल रहे हैं। सिंचाई की व्यवस्था तो की होगी ना, उसके लिए पानी का नदी से, सरयू नदी से पंपिंग की गई है। सुंदर दृश्य है, ऊपर बारिश हो रही है टॉप टॉप वाली एरिया में। हमें जाना उनके घर पर, बीच रास्ता है। सोयाबीन भी डली हुई है बीच बीच में। रिक्शा रुक जाना, कुत्ते भी हैं उनके। रिक्शा आराम आराम से चल। ये आप देखेंगे सुअरों ने, जंगली सुअर यानी भरा, जगह जगह जहाँ गोबर रखा पूरा खोद रखा है। और इन्हें क्या कहते हैं, बीच में जो बनाए गए हैं ये वाला, और नीचे और भी हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। पहाड़ी में क्या कहते हैं इनको, सफ़ेद सफ़ेद यानी
ये देखिए ये है यहाँ का दृश्य। पार से गाड़ी भी जा रही है। ये पास में बह रही है सरयू नदी। ऐसे ही पार से निकलती है। ये देखेंगे ऊपर लोटस टेंपल की नकल की गई थी कभी जवाहर सिंह परिहार जी ने, इसको बनाने का प्रयास किया लेकिन अभी भी अधूरा ही रहेगी। तो यही गाय है, इसका दूध हम ले जाएंगे। और तो वहां से एक रोड जाती को जाती है, थोड़ा ये पीला हो गया है या तो धूप से। इनका सुंदर मकान है यहाँ पर, यहाँ पर बैठेंगे भी। ये चांद निकल चुका है, जिस चांद में हाल ही में भारत के चंद्रयान ने फतह की थी वही चांद है ये। हाँ आप देख सकते हैं ये। अब हमें जाना है, अंधेरा भी हो रहा है, वापस हम कपकोट को निकलेंगे। ये पूरा बादल घिरे हुए हैं, बारिश का मौसम भी हो रहा है, लाइट जल चुकी है। तो ये यहाँ का मौसम। साथ में हम साईं जी के मकान में हैं और ये हैं साईं जी।